तो नाउ इज द टाइम टू शो, सो लेट्स रॉक इट. अब हर टीचर मेहनत डाल रहा है, इट्स नॉट अबाउट ओनली वन सब्जेक्ट, एवरीबडी इज हाँ पुटिंग इक्वल अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, सो प्लीज पे ऑफ. तो कल हमने बाकी के गप्पे ना एंड में मारेंगे. कल मेरा रिविजन क्लास होगा इवनिंग को, बट मॉर्निंग में भी अगर कोई ले रहा है तो ले सकता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. सो यू कैन टेक एनी ऑफ द क्लास, मॉर्निंग या इवनिंग, लिंक्स मिल जाएंगे आपको. हम कल आप इवनिंग में लेंगी। हाँ कल मॉर्निंग में ले नहीं पाऊंगी मैं, टेक इन इवनिंग. ओके okay. ओके तो हमारे हमने ना पूरे कल हम फिर स्कूल से आ जाएंगे फिर। अगर क्या हो गया इधर, पहले 5 बजे तो स्कूल नहीं होता ना इकरा आपका. अपना स्कूल से आ जाएंगे सुबह में नहीं ले पाते ना। कट रहा है यार, आवाज कट रहा है, नहीं समझे मुझे कुछ भी नहीं समझ में. मैम सुबह को हम क्लास नहीं ले पाएंगे आपकी, तो अच्छा है कि आप शाम को अच्छा लोगी ओके क्लास। गॉट इट ओके, थैंक यू उसके. हाँ तो कल हमने ना यहाँ तक किया था एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड के मेडुला पार्ट, मेडुला पार्ट के इमरजेंसी हॉर्मोन्स एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन, इसी को हम एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते थे, करेक्ट, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रीन. एंड देन कॉर्टेक्स रीजन के हमने देखे हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड स्टेरॉइड्स. नेक्स्ट है हमारा अभी पैनक्रियास, बहुत ही खूबसूरत सा ग्लैंड है, इसको हम क्या कहते हैं, कौन सा टाइप का ग्लैंड है ये, हाइटरोट्रॉफिक पेटेरोक्राइन। पेटेरोक्राइन या मिक्सोक्राइन, मतलब क्या, ये दोनों तरह के काम कर सकता है, ये ग्लैंड्स भी करेगा मतलब हार्मोन का सिक्रीशन भी करेगा थ्रू द डक्ट, या बिना डक्ट्स के ये डाइजेस्टिव जूसेस का, उल्टा बोल दिया, डाइजेस्टिव जूसेस थ्रू द डक्ट्स एंड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम हार्मोन. तो इसका जो यहाँ पे लिख रही हूं मैं, इसका एक्सोक्राइन फंक्शन कैसा होता है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करने का या डाइजेस्टिव एंजाइम्स थ्रू डक्ट्स. डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं एक्सोक्राइन, एंड एंडोक्राइन मतलब हॉर्मोन्स को सीक्रेट मतलब करने का, कहाँ पे, डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ठीक है. अब ना पैनक्रिया के थोड़े से डिटेल में लेके जा रही हूँ मैं आपको, पैनक्रिया को आप अगर आप काटोगे ना तो आपको कुछ स्पेशल सेल्स मैम मिलेंगे, बोलो. हाँ गग, मैम प्रियंका को सुपर मास्टर भी बोलते हैं ना. पैनक्रियास को क्यों, यस मैम. पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर एंड हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर कहते हैं ना, ये तो सुपर पैनक्रियास मास्टर। वो मैम एक जैसा लग रहा था सॉरी मैम. यस नहीं, पिट्यूटरी है नॉट पैनक्रियास। मैम पिट्यूटरी को बोलते हैं सुपर मास्टर. गुड, यस मैम सॉरी मैम. ओके. तो पैनक्रियास का अगर ये देखो, दिस इज योर पैनक्रियास, कहाँ पे होता है, ये स्टमक के बीच में ऐसे अटका पड़ा होता है, लंग्स एंड स्टमक के बीच में से नीचे. अब इसको अगर आप थोड़ा सा कट करके देखोगे, आपको कुछ दो टाइप के स्पेशल सेल्स दिखेंगे. ये बीच में का एरिया दिख रहा है आपको ब्लू कलर में, दीज आर कॉल्ड एज आईलेट्स ऑफ लैंगरहंस. ये ऑफकोर्स अब साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है, आईलेट्स ऑफ लैंगरहंस एक टाइप का सेल है. दूसरा क्या है, पैनक्रियाटिक एसिनी. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि आपको पैनक्रियाज में दो टाइप्स के सेल्स मिलेंगे, एक तो कौन से, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, और दूसरा मिलेगा एसिनार सेल्स. ओके, अब हमको ध्यान देना है इनके ऊपर. तो देखो, आइलेट ऑफ लैंगरहंस में आपको क्या दिखता है, अगेन दो टाइप के सेल दिख रहे हैं, यू कैन सी वन इन द लाइट ब्लू वन इन द डार्क ब्लू, दैट इज बीटा सेल एंड अल्फा सेल. ओके, तो सेम चीज मैं यहाँ पे आपको फिर से बता रही हूँ. मैम पिंक भी तो है एक. वो मत अभी पकड़ो, दैट इज कॉल्ड डेल्टा सेल, बट उनका भी आपके लेवल पे काम नहीं है. क्या कर रही हूँ मैं, क्या लिखना है मुझे यहाँ पे, लैंगरहंस लिखना है, हे भगवान. मेरा दिमाग हो चुका है ब्लॉक पूरा. क्या
मैं स्पेलिंग नहीं लिख पा रही हूँ बच्चा जी, क्या हो रहा है आज मेरे आज ज्यादा साथ? वैसे आप ज्यादा हो रही है मैम। ओफो, हाँ मैम शॉर्ट कर लेते नहीं हैं। समझ बहुत। गए हम, समझ गए। आप कराओ आगे। ओके सो हाँ लाइंगरहांस के दो सेल्स, एक तो अल्फा सेल्स, ये शॉर्टकट समझ जाओगे ना अल्फा सेल्स का, देन मैम, दूसरा बीटा सेल्स, तीसरा डेल्टा सेल्स होता है। डेल्टा सेल्स आपको जरूरत नहीं है, छोड़ दो, जो पिंक है ना दैट इज कॉल्ड डेल्टा सेल्स, बट वी डोंट वांट दैट। एंड एसिनार सेल्स, इसका कोई एक्स्ट्रा नहीं है। एसिनार सेल्स की पहले मैं बताऊंगी, इसका फंक्शन इजी है। इसका फंक्शन होता है टू सीक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कहाँ पे सीक्रीट करेगा ये? इनटू द इंटेस्टाइन, स्मॉल वाले इंटेस्टाइन में ये सीक्रेट करेगा। एस लिख देती हूँ मैं, स्मॉल वाले इंटेस्टाइन में। मतलब ये कौन सा वाला फंक्शन हो गया? इसका एक्सोक्राइन वाला फंक्शन हो गया। अब एंडोक्राइन वाले फंक्शन में क्या होता है? एंडोक्राइन फंक्शन के अब दो हिस्से हैं। अल्फा सेल एक हार्मोन सिक्रीट करेगा नेम्ड एज ग्लूकागॉन, बीटा सेल एक सिक्रीट करेगा हार्मोन नोन एज इंसुलिन। अब किसको पता है इसका क्या क्या काम है? एनीबॉडी नोज? सनी शुगर केमिकल को मेंटेन रखता है ना कॉन्स्टिट्यूएंट ये इंसुलिन क्या करेगा शुगर को? हाँ मैम, बॉडी में शुगर मेंटेन करके रखता है ना। एक्चुअली बॉडी में ग्लूकोज दोनों भी बनाते बैलेंस, ये दोनों भी ग्लूकोज का बैलेंस करेंगे। कैसे? आपको वो वाले हार्मोन याद है क्या? पीसीटी एंड टीसी, पीटीएच एंड टीसीटी, थायरो कैल्सिटोनिन एंड पैरा थायराइड हार्मोन, दोनों भी ब्लड में कैल्शियम का लेवल मेंटेन करते थे। एक बढ़ाता था, दूसरा घटाता था। यस लंबा कल ही किया है हमने, याद है? मैम, याद है। हाँ, तो ये दोनों हार्मोन भी कुछ वैसे ही है, बट अभी यहाँ पे ग्लूकोज की बात होगी। इंसुलिन क्या करेगा? जब डाइजेशन के बाद, जब ग्लूकोज आता है ना ब्लड में, तो ये वाला ग्लूकोज हम ब्लड से लेके जाएंगे कहाँ पे? सेल्स के पास, फॉर यूजिंग इट, मतलब उसका यूज करके उससे एनर्जी बनाने के लिए। तो सिंपली यू कैन राइट हियर एज यूटिलाइजेशन, उसको यूटिलाइज करने के लिए। किसको? ग्लूकोज को। बट ग्लूकागॉन इसका उल्टा काम करेगा। ग्लूकागॉन क्या करेगा? जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा घट जाती है, तब क्या करता है? हमने देखा था कि एनिमल्स में एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज, दो से आप जब तीन रोटियां खा लेते हो तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा, लाइसिस कराएगा, एंड इससे फिर नया न्यू ग्लूकोज बनाएगा, जिसे बायोलॉजी रखी थी और ठाण पे रखी है केमिस्ट्री निशा, निशा आप म्यूट पे नहीं हो। सनी एंड निखिल रुक जाओ। सनी ये केमिकल कोऑर्डिनेशन का चैप्टर चल रहा है, जिसमें से पैनक्रिया का ग्लैंड सिखा रही हूँ मैं, ठीक है? ओके, तो ग्लूकागॉन क्या करेगा? ग्लूकागॉन ब्लड में ग्लूकोज लेवल जब घटेगा, तब ग्लाइकोजन को ब्रेक करके न्यू ग्लूकोज बनाएगा, एंड वापस से ग्लूकोज लेवल को वो इंक्रीज कराएगा। तो इसको मैं अगर फिर से आसान भाषा में अगर हम लिखने की कोशिश करें कि इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन काम कैसे करते हैं, तो देखो इंसुलिन क्या करेगा? जो ग्लूकोज हमको कहाँ से मिलता है? फूड से, डाइजेशन से। उसको कहाँ लेके जाएगा? ये सेल्स की तरफ। देयरफॉर ब्लड में वो क्या करेगा? ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज कराएगा, करेक्ट? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना अच्छी बात नहीं है बेटा। ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रखा होगा ना, उसका मतलब आई सर्वाइव कर रही फ्रॉम डायबिटीज। यस मैम। ग्लूकोज का लेवल
अगर खाने के बाद, सी जनरली कैसा होता है, आपने अगर अभी खाना खा लिया है, मान लो खाना खा के आप अभी भी क्लास के लिए बैठे हो फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही खाना आपके पेट में जाता है, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस होने के बाद इमीडिएटली एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, मतलब जो भी आपने खाया है न्यूट्रिएंट्स वो इंटेस्टाइन से वगैरह आपके ब्लड में जाना चले हो जाएंगे। जैसे ब्लड में चीजें जाती हैं, फिर पैनक्रिया को मिलता है सिग्नल कि ग्लूकोज आ चुका है, अब इसको आप लेके जाओ बाकी के सेल्स की तरफ। तो ये नॉर्मल रोल है। इंसुलिन नॉर्मल लोगों में क्या करता है, खाना खाने के बाद सीक्रेट होने लगता है ताकि वो सेल्स की तरफ लेके जाए उसको। क्यों? क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए ना, हर एक सेल को ग्लूकोज जरूरी है, करेक्ट? हाँ, इतना समझ रहे हो। तो इंसुलिन का नॉर्मल काम क्या है, खाने के बाद पूरा ग्लूकोज जब डाइजेशन के थ्रू ब्लड में आ जाता है, उसको हम हर एक सेल्स की तरफ पहुंचाएंगे, मतलब ब्लड में से हम ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कराएंगे। इतना क्लियर? ग्लूकोज का, इंसुलिन का, इतना क्लियर सभी को? यस यस मैम। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंसुलिन ने क्या किया है, हाइपोग्लाइसेमिया किया है। हाइपोग्लाइसेमिया, इसको मैं अलग से लिखती हूँ, हाइपोग्लाइसेमिया मतलब ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम होना। ये नॉर्मल सी बात है। हाँ, बहुत ज्यादा अगर इंसुलिन ओवर एक्टिंग होगी उसकी, बहुत ज्यादा ही इंसुलिन ने काम कर लिया, तो लो बीपी हो जाएगा और आप चक्कर आके गिर जाओगे, मतलब पूरा ही ब्लड में से पूरा शुगर निकाल दिया एंड सबका सब शुगर हमने यूटिलाइज कर लिया। तो ज्यादा भी होना अच्छी बात नहीं है, बैलेंस रखना पड़ता है हर चीज का। तो इंसुलिन अगर ब्लड में से ग्लूकोज लेवल को कम करता है, इसका मतलब वो क्या करता है, हाइपोग्लाइसेमिया को करता है। अब इसी का रिवर्स काम करेगा ग्लूकागॉन। क्या काम करेगा, हमने जो ग्लूकोज को क्या करना है, शुगर लेवल को बढ़ाता है इंक्रीज मैम, कर ग्लूकोज देगा लेवल को, ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर देगा ब्लड। इंक्रीज करेगा। हाँ, मतलब ये तब एक्ट करेगा, ग्लूकागॉन का कंडीशन है। ग्लूकागॉन कब एक्ट करेगा, ग्लूकागॉन विल एक्ट जब, इसकी कंडीशन को मैं स्टार लगा रही हूँ, इसकी स्टार पे क्या लगाती हूँ कि जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा घट गया, इट्स बीन डिक्रीज टू मच, एंड सेल्स को आप ग्लूकोज पहुंचा नहीं पा रहे हो, नो ग्लूकोज इज बीन कमिंग। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब आप स्टार्वेशन करते हो। स्टार्वेशन मतलब क्या, भूखे रहना, हंग्री होना। स्टार्वेशन मतलब जब व्रत करते हो, उपास उपास अगर करते हो ना, तब तो तब क्या होगा, तब इंसुलिन तब सिक्रेट होगा क्या? नहीं। आप मान लो मैंने सुबह में नाश्ता किया था, उसके बाद मैंने दोपहर में खाना नहीं खाया, तो शाम तक ऑब्वियसली भूख तो लगेगी, किसी को भी लगेगी, बट बिकॉज मैंने दोपहर में खाना नहीं खाया है तो इंसुलिन अब मेरे बॉडी में सीक्रेट नहीं है। इंसुलिन कब सीक्रेट हुआ था, जब मैंने ब्रेकफास्ट किया था तब, उसके बाद जो भी ब्रेकफास्ट का न्यूट्रिशन था वो ग्लूकोज ब्लड में आ गया, ब्लड से हमने सेल्स को दे दिया, इंसुलिन का काम खत्म, इंसुलिन अब सीक्रेट नहीं होगा। अब दोपहर में फिर वेट करेगा कि कुछ खा रहा है या बंदा नहीं खा रहा है, नहीं खाया तो क्या हो जाएगा, अब आपको भूख लगेगी बट फिर भी आप नहीं खा रहे हो, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ऐसा होता है ना कि कभी कभी टाइम नहीं मिलता बट फिर भी बंदा जिंदा तो है ना, दे आर वर्किंग। कैसे? अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन था, हमने जो ग्लाइकोजन को बचा के रखा था, कब, इनिशियली जब ब्रेकफास्ट मैंने बहुत हेवी कर लिया था, ठीक है, 3 से 4 रोटियां खा ली, तो जरूरत तो मुझे 2 ही रोटी की थी, 3 से 4 रोटी खाने की वजह से ऊपर का जो ग्लूकोज था उसको मैंने बना दिया ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन इज नथिंग बट पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज को जोड़ के ग्लाइकोजन बनता है। तो जब आप भूखे होते हो तब यही ग्लूकोज को तोड़ दिया जाएगा, लाइसिस कहते हैं, ग्लाइकोजन लाइसिस, इसको मैं लिख देती हूँ, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को तोड़ना। ग्लाइकोजन को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, ऑफ कोर्स ग्लूकोज मिलेगा, एंड ये ग्लूकोज आप लेके कहाँ जाओगे, ब्लड में। उफ, ब्लड का भी स्पेलिंग गलत चलो मेरे स्पेलिंग को आज इग्नोर कर दो। क्या M+ इफेक्ट, मतलब
क्या चल रहा है आपका? मैं बंद कर दूं क्या यह चैट? कर दो शाहनवाज नॉट हियर, ओके? ये मैं एंटरटेन नहीं करूंगी. इस जस्ट बिकॉज आई एम फ्रेंडली विथ यू डजंट मीन आप मेरे सर के ऊपर चढ़ के बैठ जाओ, समझे? अब मैं फिर से ग्लूकागन और इंसुलिन नहीं पढ़ाऊंगी फिर, अगर नहीं समझ में आया तो सीधे क्वेश्चंस कराऊंगी मैं. सॉरी चलो अब ग्लूकागन ने क्या किया? ग्लूकागन ने ग्लाइकोजन को तोड़ दिया, उससे ग्लूकोज बनाया. उसको हम क्या कहेंगे ना, इसका रिवर्स, हाइपोग्लाइसीमिया के रिवर्स, हाइपर ग्लाइसीमिया. समझे? दोनों का काम एकदम उल्टा यस है. मैम, इंसुलिन हमेशा नॉर्मल कंडीशन में, जब भी आफ्टर फूड, ये सीक्रेट होना ही है. आपको पता है ना, आपने कभी देखा होगा किसी को अगर शुगर टेस्ट करानी है तो बिफोर मील एंड आफ्टर मील का ब्लड लेते हैं. एनीबॉडी नोज दैट? यस यस मैम, मैम, यस मैम. क्यों लेते हैं बिफोर मील एंड आफ्टर मील? कॉमन सेंस की बात है. अब आपको पता होगा बिफोर मील इंसुलिन का लेवल कम होगा, खाना खाने से पहले इंसुलिन का लेवल कम होगा. क्यों? क्योंकि कुछ है ही नहीं ना ब्लड में, किसको सर्कुलेट करेगा इंसुलिन? कुछ नहीं है. खाना खाने के बाद जब ग्लूकोज आएगा ब्लड में, तब वो सीक्रेट होने लग जाएगा पैनक्रियास से, एंड फिर ये लेके जाएगा सेल्स की तरफ ताकि वहां से हम एनर्जी बनाए. इसलिए हम क्या कहते हैं, ब्लड में से ग्लूकोज को वो कम करा रहा है, इसलिए हम कहते हैं उसको हाइपोग्लाइसेमिया. या उसको हम और एक चीज भी कह सकते हैं, ये और एक चीज भी करता है, दैट इज ग्लाइकोजेनेसिस. बेटा आपको वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना है. ग्लाइको जेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन. जैसे मैंने क्या कहा था, दो रोटियां से तीन से चार खा ली, दो रोटी तो क्या हो गई, ग्लूकोज के फॉर्म में सेल्स के पास चली गई, प्लस एक्स्ट्रा जो दो रोटी थी एक्स्ट्रा वाली, उसको मैं क्या करूंगी, क्योंकि मेरे बॉडी को वो एक्स्ट्रा है, अब खा तो लिया, वापस बाहर तो नहीं निकाल सकती, उसको बना दो ग्लाइकोजन. कौन बनाएगा? यही वाला हार्मोन, इंसुलिन ही बनाएगा. क्लियर? इंसुलिन खाना सीक्रेट यस होगा, ये ब्लड में से ग्लूकोज लेवल को कम करेगा, विच इज कॉल्ड एज हाइपोग्लाइसीमिया. मतलब ही क्या कि वो सारे सेल्स को ग्लूकोज को पहुंचा रहा है. सारे सेल्स की अगर सबकी जरूरत अगर खत्म हो गई, सेल्स को ग्लूकोज मिल गया, एक्स्ट्रा जो बच जाता है उसको वो क्या करता है, इंसुलिन ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म होता है, ग्लाइकोजन इज अ स्टोरेज फॉर्म, उसमें कन्वर्ट करा देता है, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस. अब मान लो 4-5 घंटों के बाद आपने खाना नहीं खाया, उसके बाद ये खत्म है बच्चा, पैनक्रिया फिर अब क्या करेगा, इंसुलिन को सीक्रेट नहीं करेगा, इसका काम हो गया, डाइजेशन हो गया, सब तरफ ग्लूकोज पहुंचा दिया, ग्लाइकोजन बना दिया, नाउ स्टॉप इट. अब बारी है, अगर आपने 3 से 4 घंटे के बाद फिर से खाना नहीं खाया, भूखे हो आप, तो क्या करेगा, बॉडी को अब ब्लड को और सारे सेल्स को अब ग्लूकोज की जरूरत तो है ही. कहाँ से मिलेगा ग्लूकोज? जो हमने ये दो रोटी एक्स्ट्रा बचा के रखी थी ना ग्लाइकोजन की फॉर्म में, इसको अब तोड़ने लग जाओ, ब्रेक करो इसको, लाइसिस करो, इससे ग्लूकोज बनाओ एंड फिर उसको ब्लड में सर्कुलेट करो. तो ये प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोजन लाइसिस. लाइसिस मतलब ब्रेक करना, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस करना. फॉर्मेशन। यस मैम, ठीक है? यस जेनेसिस, मैम, जेनेसिस मतलब बनना, लाइसिस मतलब तोड़ना. ओके, सो दीज टू हार्मोन्स आर क्लियर? यस मैम, यस यस मैम. एंड ये कौन सिक्रीट कर रहा है? पहले इंसुलिन। पैनक्रिया तो सही बात है, बट आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस की दो सेल से, ये बीटा वाला सेल सिक्रीट करेगा, ये अल्फा वाला सेल सिक्रीट करेगा. ठीक है मैम। यहाँ पे लिखा है अल्फा सेल्स विल सिक्रीट ग्लूकागन, बीटा सेल्स विल सिक्रीट इंसुलिन, एंड एसिडार सेल्स जो होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो जूसेस है वो सिक्रेट करते हैं इंटेस्टाइन में फॉर ईटिंग पर्पस. तो ऐसे इन दोनों का काम मिला के हम पैनक्रिया को मिक्सोक्राइन या हेटरोक्राइन कहते हैं. चलो पैनक्रिया क्लियर? यस यस मैम, मैम. यस मैम, ओके, ये वही कहानी है वैसे, हाइपरग्लाइसीमिया. एंड ये मेनली एक्ट होते हैं, ये बताना रह गया, लोकेशन लीवर सेल्स के ऊपर एंड फैट्स के ऊपर एक्ट होगा. देखो हाँ, लीवर सेल एंड फैट सेल्स, जिसको हम क्या कहते हैं,
हिपाटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स, क्योंकि ग्लाइकोजन ही आगे जाके फैट बनेगा, जो मोटापा आता है दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ ग्लाइकोजन. तो एडिपोसाइट्स इज नथिंग बट द फैट सेल्स, तो इनके ऊपर ही ये दोनों हॉर्मोन्स एक्ट होगी. हिपाटोसाइट्स मतलब लीवर वाले सेल्स, ओके. सो लीवर वाले सेल्स एंड एडिपोसाइट्स पे ये काम करने वाले हैं. ये वैसे सेम ही कहानी है, हाइपरग्लाइसेमिया होना, ग्लाइकोजेनेसिस होना, आप ये पढ़ सकते हो. एंड इंसुलिन अगर खराब हो गया काम करना तो डायबिटीज होगा. मतलब खराब मतलब क्या, कि हो सकता है खाना खाने के बाद ग्लूकोज जो जाना चाहिए ना ब्लड में से सेल्स की तरफ इंसुलिन की मदद लेके, इंसुलिन अगर सीक्रेट ही नहीं हुआ तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हमेशा हाई दिखाएगा. इसलिए खाना खाने के बाद का जब वो टेस्ट करते हैं ना ब्लड टेस्ट, उसमें अगर ऐसा लगता है कि ग्लूकोज बहुत ज्यादा दिखा रहा है, इसका मतलब उन पेशेंट्स में इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो रहा या कम हो रहा है, जिसके वजह से वो ग्लूकोज लेवल हाई दिखा रहा है. ग्लूकोज लेवल हाई दिखना अच्छी बात नहीं है, हाइपोग्लाइसीमिया होना चाहिए, कभी भी कमी कम होना चाहिए. ओके, सो डायबिटीज इज अ कंडीशन जब इंसुलिन कम सीक्रेट हो सकता है या फिर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है. डिपेंड्स कि कितना सीवियरिटी है केस की, कुछ कुछ का कम होता है, कुछ कुछ का बिल्कुल नहीं होता है. तो बिल्कुल नहीं होगा तो फिर उनको इंसुलिन की अलग से इंजेक्शन लेनी पड़ती है. तो डिपेंड करता है कि किसका कितना सीवियरिटी है केस का, एंड दैट इज नथिंग बट योर डायबिटीज. ओके, सो मूविंग टू द फर्दर, टेस्टिस एंड ओवरीज ग्लैंड, जिसको मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोग पूछ रहे थे ना हाइपोथैलेमस के वक्त, आपने पूछा था गोनाडोट्रोपिन्स, यस मैम, रिमेम्बर? गोनाडोट्रोपिन्स मतलब ऐसे हॉर्मोन्स जो गोनाड्स के ऊपर एक्ट होंगे. गोनाड्स इज नथिंग बट योर टेस्टिस एंड और एक है नेक्स्ट, दैट इज योर ओवरीज. ओके, अब इनके ऊपर एक्ट होने वाले पहले हमने जो देखे थे वो थे FSH एंड LH. वो करता था पिट्यूटरी ग्लैंड, FSH एंड LH पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रीट करता है. एंड जब ये सीक्रीट होगा तब टेस्टिस एंड ओवरीज में से और अलग अलग प्रकार के हार्मोन सीक्रीट होंगे, वो अब यहाँ पे आज देखेंगे हम, ठीक है. तो टेस्टिस का थोड़ा सा एक मैग्निफाइड डायग्राम दिखा रही हूं मैं आपको. दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कौन से सेल्स होते हैं और इनका क्या काम है. तो टेस्टिस बेसिकली वी नो कि दिस इज अ फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ये बात तो हमको पता ही है. इन यस मेल्स मैम, दिस इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब इसका पहला काम क्या है, द प्राइमरी वर्क ऑफ दिस विल बी टू प्रोड्यूस मेल गैमेट, करेक्ट? मेल गैमेट दैट इज मैम, स्पर्म. तो ये तो उसका प्राइमरी फंक्शन हो गया. सेकेंडरी फंक्शन मतलब दूसरा भी क्या फंक्शन है, कि वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड करके भी एक्ट करता है. कौन? टेस्टिस. तो जब वो एंडोक्राइन ग्लैंड करके एक्ट करेगा वो टेस्टोस्टेरॉन को सीक्रेट करेगा. टेस्टोस्टेरॉन इज आल्सो कॉल्ड एज एंड्रोजन. एंड्रोजन इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन जिसमें से टेस्टोस्टेरॉन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. इस्ट्रोजन भी उसी का एग्जाम्पल एक्चुअली, बट वो फीमेल में है. ओके, अब टेस्टोस्टेरॉन किसके लिए जरूरी है? बहुत सारी चीजों के लिए जरूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस. अब फिर से जेनेसिस मतलब, फॉर्मेशन फॉर्मेशन फॉर्मेशन. अब किसका? स्पर्म्स का. स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म्स का फॉर्मेशन होने में पहली बात मदद करेगा, दूसरी बात मेल्स मैम, में वो चेंजेस होते हैं मैम, जो बॉडी में चेंजेस होते हैं उसके लिए भी तो यही हार्मोन. दैट इज व्हाट, उसी को बोल रही हूँ मैं सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स. जो बॉडी में चेंजेस होते हैं, जो आप बोल रहे हो, मैम जो मेल का बिहेवियर है, अग्रेसिवनेस, लो वॉइस पिच, मस्कुलाइन नेचर, प्यूबिक हेयर, मैम, बिहेवियर, ये सारी चीजें बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन. तो पीछे का डायग्राम मुझे इसलिए दिखाना था कि आपको ये बताना था कि ये सीक्रेट कौन करता है, मतलब कहाँ से आते हैं ये, क्योंकि
ये है नहीं, थोड़ा डिटेल है, बट शायद मुझे लगा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा इसलिए दिखा रही हूँ मैं। टेस्टिस को अगर आप ऐसे अंदर से देखोगे, मतलब फ्रॉम दिस साइड अगर आप देखोगे, ये साइड से अगर आप देखोगे, तो आपको मिलेगा ये जो ऐसे दिख रहे हैं ना येलो येलो, इनको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जैसे नेफ्रॉन टेढ़ी मेढ़ी सी चीज होती है ऐसी, मैगी जैसी है ना, मैगी नूडल्स जैसी, वैसे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी ऐसे टेढ़े मेढ़े सी चीज होती है जिनके अंदर क्या होता है, स्पर्म्स का प्रोडक्शन। तो ये ट्यूब्यूल्स के अंदर यहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, बट इनके इर्द गिर्द में आपको थोड़ी सी जगह दिख रही है, राइट? यहाँ पे यस यू कैन मैम, सी सम स्पेसेस, दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल टिश्यू। अब इस डायग्राम पे आ जाओ, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मतलब वही जो टेढ़े मेढ़े से ट्यूब्यूल से जिसके अंदर स्पर्म बनना है, उसके बीच में ना कुछ स्पेस है यहाँ पे ऐसा। ये जो स्पेस है इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, जैसे मेडुला में हमने कहा था इंटरस्टिशियम स्पेस, किडनी का मेडुला, इंटरस्टिशियल। यस यस, इंटरस्टिशियल मतलब क्या, ऐसे बीच बीच में जो स्पेसेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल्स या टिश्यूज या स्पेसेस। उनमें एक ना खास तरह का सेल है, आप देखोगे यहाँ पे दिख रहा है सेल, यहाँ पे है, यहाँ यस पे मैम, है, इनको कहते हैं लेडिग सेल्स, इट इज कॉल्ड एज लेडिग सेल्स। एंड यही वो सेल्स है जो क्या करेगी, टेस्टोस्टेरोन स्पर्म के फॉर्मेशन को सीक्रेट करेगी। तो जब ये लेडिग सेल्स टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करती है, तब ये इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर स्पर्म बनना स्टार्ट होते हैं। एंड साथ ही ये क्या करेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल में भी वो लेके आएंगे। दिया है ना वैसे यहाँ पे, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, एक्सियल हेयर, लो पिच, मस्कुलर ग्रोथ, स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा, सेक्सुअल बिहेवियर, एंड थोड़ा बहुत इफेक्ट ऑन द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। हाँ, लेडिग सेल्स मतलब ये जो टेस्टीज है इसको अगर ऐसे बीच में से काटो, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर एप्पल है, एप्पल को आप एग्जैक्टली ऐसा काटते हो तो आपको दो हाफ मिलते हैं, बट नाउ इमेजिन एप्पल को आप हॉरिजॉन्टली काट रहे हो, आड़ा काट रहे हो, तो इमेजिन टेस्टीज को यू आर गिविंग अ ट्रांसवर्स सेक्शन, इसको मैं हाफ काटूंगी तो आपको कैसे दिखेगा, तो कुछ ऐसे दिखेगा, लेफ्ट साइड वाला दिखेगा डायग्राम वैसे। तो ये बीच बीच के क्या है, दीज आर ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जिनके अंदर स्पर्म बनता है, यहां पे बनेगा स्पर्म। बट इनके बाजू में ही क्या है, स्पेसेस है जिनके पास एक छोटे छोटे से सेल्स दिख रहे हैं आपको डॉट डॉट में, उनको हम कहते हैं लेडिग सेल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेडिग सेल्स ये क्या करती है, ये सीक्रेट करती है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को, एंड ये हार्मोन सीधा असर करेगा बाजू में बैठा हुआ ट्यूब्यूल के ऊपर ताकि वो स्पर्म्स को बना सके। इकरा समझे, या फिर से बोलू, स्क्रोटल सैक इज अ आउटर कवरिंग। ये देखो, दिस इज द इनर टेस्टिस, ओके। इस टेस्टिस के ऊपर एक थिन स्किन का पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगा, दिस इज अ स्किन, इट्स अ स्किन, एक्चुअली ये स्किन है, बट वेरी थिन एंड डेलिकेट सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर टेस्टिस डिसेंडेंट है। एक्चुअली आपको पता है जब मेल बच्चा फॉर्म होता है तो द टेस्टिस इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द एब्डोमिन। मतलब मुझे लगता है ये फनी लगेगा आपको सुनने के लिए, बट ये सही बात है, जब मेल बच्चा पेट में होता है तो टेस्टिस टेक्निकली ऐसे अंदर होते हैं पेट के, बच्चे के या मदर के नहीं, बच्चे के पेट के अंदर होते हैं। तो जैसे जैसे ग्रोथ होता है ना, वैसे वैसे वो स्किन के थ्रू नीचे डिसेंड हो जाएगा, तो दैट्स वाई द स्किन, द पाउच जिसके अंदर वो टेस्टिस है, दैट इज कॉल्ड एज स्क्रॉटम। स्क्रॉटम ही पूछा है ना आपने शिवानी, हाँ यस मैम, स्क्रॉटम। तो इट्स अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर टेस्टिस को रखा हुआ है। एंड टेस्टिस को ऐसे बॉडी के बाहर क्यों रखा है इन मेल्स, बिकॉज टेस्टिस एंड पेनिस इज व्हाट, दीज आर द मेन मेल जेनाइटल ऑर्गन्स, यानी टेम्परेचर की वजह से। किसके वैसे,
टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर। वेरी गुड, पता है आपको ये? यस वेरी मैम। गुड। बॉडी टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? मैम इस स्वेट पंप का फॉर्मेशन के फॉर्मेशन लिए। अरे वाह, वेरी गुड गुड। मैम इतना तो पढ़ के आए थे। मैम ये नहीं, ये टेंथ में आपके पढ़ा था थ्योरी मैम। में तो है नहीं। कहाँ से पढ़ मैम के? ये टेंथ मैम में, टेंथ मैम में टेंथ है में, ना, मैम टेंथ टेंथ में। में। अच्छा ओके, चलो फायदा हो गया फिर। गुड, हाँ करेक्ट। स्पर्म प्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा कम चाहिए टेम्परेचर, इसलिए। वैसे इसका 12th में और डिटेल में पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, यस अब मैम। चले ओवरी के पास। मैम सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट ऑर्गन, दैट इज द फीमेल ऑर्गन। ये भी जोड़ियों में होगी, दैट इज अ पेयर ऑफ ओवरीज। ओके, तो ओवरीज भी क्या है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब इसका प्राइमरी वर्क या प्राइमरी फंक्शन तो है एग को बनाना, बट उसके साथ ही वो क्या कर सकती है? इट कैन ऑल्सो सीक्रेट हॉर्मोन्स। सो अगेन लेट्स राइट हियर, ओवरी का प्राइमरी फंक्शन तो है फीमेल गैमेट बनाना, दैट इज योर एग और ओवम। सेकेंडरी फंक्शन क्या आएगा? अगेन क्या आएगा? जैसे हमने बॉडी में चेंजेस आते, या यू कैन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन विमेन, करेक्ट? तो क्या क्या यस होता है, मैम। लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या क्या होता है। हाँ, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द, अभी लिख दूं क्या? चलो लिख देती हूँ। टू हॉर्मोन, दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। दोनों अलग अलग होते हैं। हाँ, अलग अलग है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन अलग अलग है, दोनों के काम भी अलग है। यस हाँ, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में भी सेम ही चीज आएगा, लाइक बॉयज जैसे गर्ल्स में भी सेम ही चीज आती है। लो नहीं, गर्ल्स में पिच वॉइस एक्स ये हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, देन इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्यूबिक हेयर्स, ये सारे कॉमन ही है फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। बट अब यहाँ पे क्या है, जस्ट बिकॉज इन द मेल वी सी ओनली वन हॉर्मोन, यहाँ पे अब दो हॉर्मोन्स है। ठीक है, सो दो हॉर्मोन्स का लेट्स सी कैसा होता है एंड कौन सीक्रेट करता है। तो इसके लिए छोटी सी कहानी सीखनी पड़ेगी आपको। जस्ट अ मिनट। तो ये मैंने ओवरी का डायग्राम लिया है। ओवरी जब लेट्स अज्यूम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अ प्यूबर्टी, मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल इनिशिएट होना होता है, एंड उसके बाद हर मंथ में क्या होगा? ओवरीज के बहुत बहुत सारे, देर आर मिलियंस ऑफ ऊसाइट। एग्जैक्टली उसको पहले हम ऊसाइट कहते हैं, अभी तक वो मैच्योर एग नहीं है, ऊसाइट कहेंगे हम। मतलब ये है ऊसाइट, ऊसाइट के ऊपर एक, जैसे मान लो ये ऊसाइट है, उसके अंदर ऊपर एक कवरिंग वाला लेयर होता है जिसको हम कहते हैं फॉलिकल, एंड इसके अंदर होगा ऊसाइट। तो होता क्या है, जैसे डेज जाते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम, इफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल इज फ्रॉम 1 to 5 days, तो काउंट फ्रॉम 6th डे। 6th डे से क्या हो जाएगा, ये फॉलिकल जो है वो बढ़ती हुई दिखेंगे आपको, यहां से यहां, यहां से यहां, एंड इसके अंदर आपको येलो कलर का एग भी दिख रहा है। पहले तो ये छोटा सा है, यस उसके बाद वो भी डेवलप हो रहा है, मतलब फॉलिकल एंड ऊसाइट विल गो ऑन डेवलपिंग। कब तक? अंटिल द डे 14। ठीक है, मैम। वैसे उसके बाद फॉलिकल क्या होती होगा? क्या है? मैम यस, फॉलिकल होती क्या है? एक कवरिंग है, लेयर से, जिसके अंदर एग को प्रोटेक्ट करके रखा है। दिस इज अ लेयर, एक मेम्ब्रेन है जिसके अंदर एग को प्रोटेक्ट करके रखा है, ग्रो हो रहा है, दोनों भी एक साथ ग्रो होती है। उसका काम क्या है मैम? फिर वो एग को प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट मतलब है करना बस उसके उसको। अंदर एग है तो वो हाँ ऊपर, अब आपको समझेगा, देखो पूरी कहानी सुनो, आपको समझेगा क्या काम है। तो अभी तो इमेजिन करो कि ये फॉलिकल है छोटे से, अभी अब वो धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। यू कैन सी दे आर बिकमिंग बिग नाउ।
पहले छोटे थे फिर बड़े होने लग गए। ओके, कब तक? टिल द डे 14th। अब डे 14th पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो एग डेवलप हो रही है ऊसाइट को अब हम डेवलप्ड एग कहेंगे, ये जो है ये बाहर आ जाता है। तो नाउ रिकॉल व्हाट, पिट्यूटरी के हार्मोन। इस फॉलिकल डेवलपमेंट में किसने मदद की? फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, जो कहाँ से आया था? एफएसएच से आया था। सेम इवन मेल में भी, जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनता है ना, वहां पे भी एफएसएच काम करता है डेवलपमेंट में, ट्यूब्यूल्स की डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एग अब रिलीज होके ये फॉलिकल से बाहर आ जाएगा। कौन? एग। अब एग अकेला बाहर आ गया, ये फॉलिकल अब खाली रह गया क्योंकि इसके अंदर का एग बाहर आ चुका है। तो इस एम्प्टी फॉलिकल को अब हम क्या कहेंगे? एनीबडी नोस? एम्प्टी फॉलिकल इज कॉल्ड एस, डेवलपिंग कॉर्पस। नहीं? अच्छा, यहाँ पे पढ़ लिया, करेक्ट, कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम पहले क्या था? ये फॉलिकल ही था। उसके बाद उसने अपने एग को बाहर दे दिया। तो ये बाहर देने की जो क्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन, जो कब होती है? ऑन द डे 14th ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब क्या होगा, इस एग की कहानी क्या होगी आगे? दिस एग विल गो वेयर? मैं आप पीछे लेके चलती हूँ, यहाँ फैलोपियन ट्यूब से। एग ये ट्रैवल। अच्छा, सबको पता है क्या? खामो का भी मेहनत कर रही हो यार, पता है तो बता दो ना कि मैम हमें पता है। पता अच्छा, तो थोड़ा फास्ट ले जाओ, फिर मैम। यस फास्ट मैम। ले जाओ, यस मैम। एग चलो भागो फास्ट। भागो भागो भागो, यहाँ तक भागो। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है तो देर इज अ इम्प्लांटेशन एंड बेबी, इफ नो फर्टिलाइजेशन देन देर इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अब हार्मोन का जो सीक्रीशन है, लेट्स स्टडी अबाउट द हार्मोन। अब ये तो आपको पता है, फिर इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे हम। एग अगर फर्टिलाइज हो जाता है, अगर फर्टिलाइज हुआ तो क्या हो जाएगा? देर इज अ प्रेगनेंसी। अगर एग नॉट फर्टिलाइज तो ये मैम, मेंस्ट्रुअल साइकिल। हाँ फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होता है ना, हाँ तो यस, दोनों फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होगा या कौन से? हर बार कोई एक से ही एग रिलीज होगा, एक साथ नहीं होगा। एक साथ रेयर केस होता है, फिर वो ट्विंस बन जाते हैं। ओके। अच्छा, तो हाँ, अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, नाउ हमने ये क्यों पढ़ा? इतनी सारी कहानी पढ़ी हार्मोन को देखने के लिए, वो तो बात दूसरी तरफ ही रह गई, बाकी मैम फिर दूसरी फॉलिकल तरफ। का क्या होता है उसके बाद? हाँ, यस मैम, मेरे बता। वही बता रही हूँ, हम सब ये कुछ पढ़ रहे हैं बिकॉज वी नीड टू सी हॉर्मोन्स कहाँ से आ रहे हैं। तो वही बता रही हूँ, ये जो फॉलिकल डेवलप हो रहा है ना यहाँ पे, इधर इतने एरिया में, ये डेवलपिंग फॉलिकल सीक्रीट करते हैं ईस्ट्रोजन को। डेवलपिंग फॉलिकल से ईस्ट्रोजन आता है। जब इनमें से एग निकल जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम जब बच जाएगा, इससे आता है प्रोजेस्ट्रॉन। ओके शिवानी, कॉर्पस ल्यूटियम मतलब ये फॉलिकल था ना, इस फॉलिकल में से एग को अब हमने बाहर निकाल दिया। अब ये रह गया फॉलिकल खाली, तो अब उसको हम फॉलिकल ना कह के उसका हमने नामकरण कर दिया, नाम चेंज कर दिया, उसको रख दिया कॉर्पस ल्यूटियम। थोड़ा येलो येलो बन जाता है, लिटिल बिट फैट्स आ जाते। तो ये सेम ही फॉलिकल है जो यहाँ पे था, बस उसके अंदर अब एग नहीं रहा, ओवम नहीं रहा, ऐसा। मैम, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें भी एक एग रिलीज होता है क्या? बस हाँ, होता है, तभी तो साइकिल चलती है। दोनों साइड से? तो नहीं, दोनों साइड से नहीं होगा, आइदर किसी एक ओवरी से, आइदर वन, आइदर लेफ्ट या राइट, किसी एक से। एक ओवरी से एग रिलीज होता है, फिर उसी उसी से ही हमारी ब्लीडिंग होती है 5-6 दिनों तक। दैट इज बिकॉज ऑफ शेडिंग ऑफ द यूटरस। अगर ये एग एग क्या कहते हैं, फर्टिलाइज नहीं हुआ
तो देर इज नो बेबी फॉर्मेशन, मतलब नो प्रेगनेंसी। मैम यूट्रस की लाइनिंग हाँ, फोल होने लगती है ये जब ब्लीडिंग में। चीजें चलती रहती है ना, ये जब ओवरी में फॉलिकल डेवलप होता रहता है ना, उसी दौरान यूट्रस में भी, मतलब ये फॉलिकल का डेवलपमेंट यहाँ पे चल रहा है, यूट्रस में ये लाइनिंग थिक हो जाती है। ये देखो कितना मोटा दे रखा है यहाँ पे, करेक्ट। ये लाइनिंग थिक क्यों हो रही है? क्योंकि इट इज प्रिपेयरिंग, अगर एग फर्टिलाइज हुआ तो बेबी को होल्ड करने के लिए यूट्रस प्रिपेयर होता रहता है, खुद को तैयार करता है, मोटा सा लेयर बना के रखता है। अगर नहीं आया बेबी तो इसको निकालना चाहिए, क्या करेंगे, इसका काम ही क्या है। तो जब इसको निकालते हो, दैट इनिशिएट्स योर ब्लीडिंग, एंड उसी में ही फिर वो एग भी, एग पता नहीं चलता है कब गया, फिर वो इट गेट्स मिक्सड अप, वो डीजेनरेट हो जाता है एग एक्चुअली। ओके, मैम तो ये जो कार्वेक्स की लेयर है वही टूट जाती है। यूट्रस के लेयर, यूट्रस की, उसका नाम दे रखा है ना कार्वेक्स। यूटरस, सर्विक्स, कार्विक्स नहीं, सर्विक्स, नहीं, सर्विक्स एंड यूट्रस, ये यूटरस है, यूटरस। अच्छा, यूट्रस को लिखा ही नहीं क्या इन्होंने? मैम लिखा हुआ है इसमें बीच यूट्रस को, में लिखा हुआ है। अच्छा बीच में लिखा। तो यूट्रस ज्यादा ना के हंसो मैम। नीचे सर्विक्स, सर्विक्स के नीचे इज वजाइना। तो सर्विक्स का लेयर नहीं टूटता है, यूट्रस का लेयर, सर्विक्स जस्ट बिकम्स थिक, लेयर यूट्रस की टूटती है। ओके मैम। ओके, थैंक यू। तो अब फिर काम क्या हुआ ईस्ट्रोजन का? ईस्ट्रोजन देखो, सिंथेसाइज्ड बाय द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स। इसका काम क्या है? फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्शुअल ऑर्गन्स को बनाना, हाई पिच वॉइस, हेयर, वो ये सब कुछ, सेक्सुअल बिहेवियर, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स, दीज आर ऑल मेंटेन्ड बाय द ईस्ट्रोजन। एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा, मतलब यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फीमेल में सेकेंडरी कैरेक्टर्स को ये मेंटेन करेगा। एंड प्रोजेस्टेरॉन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेगनेंसी हॉर्मोन। एंड जैसे ही मान लो ये डे 14 था, इसके बाद अगर डे 28 तक कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन एकदम से घट जाएगा एंड यूट्रस विल स्टार्ट ब्लीडिंग सिंपली। एंड अगर फर्टिलाइजेशन है तो ये हमारा प्रोजेस्टेरॉन हमेशा बना रहेगा जब तक प्रेगनेंसी एंड ना हो तब तक, क्योंकि यही हेल्प करता है यूट्रस को मजबूत रखने में। कौन? प्रोजेस्टेरॉन। क्यों लेना है? मैं नोट्स तो भेजती हूँ ना। मैम अटेंडेंस से अच्छा हाँ, ऑफ कोर्स। वैसे ज्यादा बच्चे थे, 2-3 कम हो गए अभी। अच्छा, ये क्लियर? यस मैम। यस यस मैम। ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन एंड प्रोजेस्टेरॉन, तीनों मैम। फीमेल एंड मेल्स के। ओके, देन छोटे छोटे से एक दो ही हार्मोन है, ये करके रुक जाएंगे। उसके बाद ये तो आपको पता ही है वैसे, हार्ट का कौन सा? हार्ट का हार्मोन नहीं था, मतलब ये एंडोक्राइन वाले हार्मोन्स नहीं है, बट नॉन एंडोक्राइन हार्मोन्स, मतलब ऐसे कुछ कुछ ऑर्गन्स है जो हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, जैसे हमारा एट्रियम। कौन सा हार्मोन करता था याद है? ANF, भूल गए ना? ANF याद नहीं है। भूल गए ना? कहाँ पढ़ा था ANF? मैंने ये कहा था कि एट्रियल नैट्रियूरेटिक फैक्टर रास मैकेनिज्म के एग्जैक्ट अपोजिट काम करता है, यस रास मैम करेगा एग्जाम्पल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, तो ANF करेगा वैसो डाइलेशन। किडनी में यस पढ़ा मैम। था, रेगुलेशन ऑफ किडनी में पढ़ा था, याद आया? हाँ यस yes. मैम। हाँ, तो वो वही वाला हार्मोन है, यहाँ पे भी लिखा है। देन सेम चीज JGA अपारेटस भी हमने सिखा है, ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। यस जब, मैम किया है। यस मैम कर रखा है मैम। जस्टा हाँ, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के ऑपरेटर। पास में DCT आता है तो जक्स्टा ग्लोमेलुलर अपारेटस बनता था, एंड इनके सेल्स रेनिन को सिक्रीट करते थे।
रेनिन ही आगे जाके क्या करता था, अल्डोस्टेरॉन को सीक्रेट करता था, या ये पूरा रास मैकेनिज्म है हमारा। एंड इसके साथ, रेनिन के साथ ही और एक हार्मोन सीक्रेट करेगा, दैट इज इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन मतलब, इरिथ्रो मतलब आरबीसी, आरबीसी का सिंथेसिस करना। तो अब तक तो हमने देखा था कि जेजी ये सिर्फ रनिंग करता है, बट उसके साथ ही किडनी और एक हार्मोन सीक्रेट करेगी नोन एज एरेथ्रोपोएटीन। एरेथ्रो मतलब एरेथ्रोसाइट्स, आरबीसी का बनना। तो ये कहाँ पे हेल्प करेगा? ये एरेथ्रोपोएटीन जाएगा बोन मैरो में, क्योंकि हमारे सारे ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। बोन मैरो में ठीक बोन मैरो में ये जाएगा, वहां पे आरबीसी को बनाने में हेल्प करेगा। ओके okay? तो जेजे रनिन के साथ यहाँ पे आपको एरिथ्रोपोएटिन भी याद रखना है। मैम ने बताया था कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं बोन मैरो में बनते हैं, लेकिन मैच्योर वो शायद से लंग्स में जाके होते हैं। लिवर, यस मैम, लंग्स, सॉरी, लिवर। लिवर, आई हाँ लिवर में, मिस्टेक। मतलब यस वो मैम, बनने के बाद बाहर आएंगे, 2-3 दिन घूमेंगे, फिर जब लिवर में आएंगे तब वो मच्योर होंगे। इवन यस मैम, मोनोसाइट्स भी वैसे ही होते हैं, बहुत से ब्लड सेल्स ऐसे ही होते हैं। ओके लास्ट स्लाइड विल डू एंड देन विल स्टॉप। और कुछ ऐसे हमारे ग्लैंड, जैसे स्टमक का ग्लैंड है, गैस्ट्रीन सिक्रेट करेगा। ये क्या करेगा? एचसीएल जो हमारे स्टमक में होता है, एचसीएल को सिक्रेट करने में, एंड पेप्सिनोजन को सिक्रेट करने में हेल्प करेगा। ये अलग अलग हार्मोन है, अलग अलग तरह से आने वाले हैं। और एक हार्मोन है सिक्रेटिन, जो आता है पैनक्रियास से, जो हमारे बाइकार्बोनेट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा। कोल साइटोकाइनिन है, CCK, ये एक्ट करेगा गैल ब्लैडर एंड पैनक्रियास के ऊपर, जो हमारे फैट्स का एंड कोलेस्ट्रॉल का डाइजेशन में हेल्प करेगा। एंड GIP मतलब गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड, ये हार्मोन क्या करेगा? गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी को रोकेगा। मतलब अगर ज्यादा हमारे एसिडिटी हो गई है, बहुत ज्यादा एसिड सीक्रेट हो रहा है, तो ये GIP उसको रोकेगा। तो ये चार हार्मोन्स तो ऐसे हार्मोन्स हैं जो छोटे छोटे काम करते हैं ड्यूरिंग द हमारे डाइजेशन के वक्त। कुछ है जो पैनक्रिया सिक्रेट करता है सिक्रेटीन, कुछ है जो गैल ब्लड सिक्रेट करता है, कुछ इंटेस्टाइन करता है, तो कुछ स्टमक करता है। इसको आप क्या कहते हैं? हॉर्मोन्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो स्टमक, इंटेस्टाइन, ओफो इंटेस्टाइन हो गया ये तो, आ गया हम समझ गए हम, पर कोई बात नहीं। स्टमक, इंटेस्टाइन एंड पैनक्रिया के ऊपर एक्ट हो गए, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो उनके चार है, गैस्ट्रीन, सिक्रेटीन, CCK, GIP। गैस्ट्रीन मतलब हमारे जो HCL सिक्रेट होता है, आपको ये तो पता है ना कि स्टमक में बहुत सारा एसिड होता है। यस मैम, पता है। हाँ, उसको उसको प्रोटेक्ट करता मैट्रिक्स। नहीं, उसको GIP प्रोटेक्ट करेगा। GIP ये तो और सिक्रेट कराएगा, पर मैट्रिक्स तो कर रहा था, वो तो स्टमक ये के, म्यूकस स्टमक को होता है, प्रोटेक्ट वो तो करता है। स्टमक वो में। म्यूकस लेयर करता है, म्यूकस यस लेयर मैम, हमारा म्यूकस होता है। सॉरी, यस मैम, स्टमक में म्यूकस। एक म्यूकोसा लेयर होता है, म्यूकोसा, यस म्यूकोसा मैम, लेयर प्रोटेक्ट करेगा। यस मैम, गैस्ट्रीन तो जब फूड अब खा के स्टमक में आएगा ना, जिसको हम काइल कहते हैं या बोलस, वो जब स्टमक में आएगा तो गैस्ट्रीन और सीक्रेट होने लग जाएगा। या जब भी है, आप कुछ सोचते हो कि मुझे भूख लगी है, पेट में से आवाज आने लगती है, तो दैट इज बिकॉज योर माइंड इज प्रिपेयर्ड, बहुत सारे डाइजेस्टिव गैसेस, डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट हो चुके हैं, एंड अब आप खाना खाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए रेडी हो। क्योंकि गैस्ट्रीन क्या करता है? स्टिम्युलेट करता है इन एसिड को एंड पेप्सिनोजन को। पेप्सिनोजन मतलब प्रोटीन को ब्रेक करने वाला एंजाइम, यस मैम, पता है। प्रोटीन लाइसिस एंजाइम। आगे हार्मोन का एक्शन है, इसको मैं अगले क्लास में लूंगी। अभी फिर टाइप्स ऑफ हार्मोन, हार्मोन का एक्शन हो गया, ये तो हो गया, डॉर्फिज्म एंड एक्रोमेगली। यस मैम। इतना फनी है, देखो क्रिटिनिज्म।
ये थायराइड की वजह से होने वाला डिसऑर्डर है, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से। मैम गोइटर भी हो जाता है ना थायराइड से, तो हाँ ये तब होगा जब अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी, एक्सेस हो जाता है, एक्सेस तब नहीं आयोडीन हो नहीं जाता है। नहीं नहीं प्रेग्नेंट लेडी में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तो उसकी बेबी के ऊपर एक्ट ऐसा होगा एंड द बेबी विल फॉर्म समथिंग लाइक दिस इन्फेंट्स या किड्स में। तो जनरली प्रेग्नेंट लेडी में अगर थायराइड का करेक्शन नहीं हुआ, अगर प्रेगनेंसी के वक्त ही थायराइड कम गया तो बेबी के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगा एंड बेबी जब जन्म लेगा तो वो कुछ क्रिटिरिज्म के साथ ही आएगा, ये डिसऑर्डर के साथ ही आएगा ऐसा। यस शिवानी गंदे नहीं है निखिल, आरबीसी है तभी तो ऑक्सीजन है, ये गोइटर दिख रहा है नेक में थोड़ा सा आपको वहां पे स्वेलिंग दिख रही है, यस दिस मैम, इज गोइटर एम्प्लीफिकेशन या स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये दोनों भी केस में होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में भी हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में भी हो सकता है। गोइटर मतलब क्या, सिंपली थायराइड ग्लैंड का मैम स्वेल ये होना, लॉन्ग टर्म बढ़ना या फिर मैम ये घटना। लो लॉन्ग टर्म डिजीज है ना ये। हाँ लॉन्ग टर्म डिजीज है ये। हाँ गगन बताती हूँ, चलो ये बाद में करेंगे, वैसे अगली क्लास में नेक्स्ट मंडे को, मंडे एंड बैच 11 का ट्यूसडे। ओके तो यस गगन मैं ये बोल रही थी कि दिस, बाकी लोग अगर किसी को कुछ डाउट नहीं है तो यू कैन लीव द क्लास, ऑफिशियली क्लास इज ओवर फॉर टुडे। एंड मैं ये बता रही थी कि ये क्लास इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज गगन दिस विल डिसाइड कि आपका 12th में क्या बैच होगा, बिकॉज देर इज अ स्पेशल बैच मेड नेम्ड एज अल्फा बैच। गगन हैज लेफ्ट द मीटिंग, किसके लिए बोल रही हूँ मैं ये? मैम अगर मान लो किसी के अच्छे मार्क्स नहीं आए तो उनको क्या, उनका क्या होगा फिर 12th में। नहीं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा सरिता, वी विल अपलिफ्ट देम, उनको और पढ़ा करके और अपलिफ्ट किया जाएगा, तो मैम किसी को ये भी नहीं छोड़ एक ही रहे। बार चांस मिलेगा कि हमें 12th में अच्छे उसके लिए। नहीं सेकंड टेस्ट है ना, सेकंड टेस्ट है ना, तो मैम दो चांसेस है हमारे पास टेस्ट के लिए। डरो मत, कोई भी कहीं पे भी नहीं जा रहा है किसी को भी छोड़ के। डोंट फील कि हम किसी को छोड़ रहे हैं या किसी के अच्छे मार्क्स नहीं है तो आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज मैम स्पेशली एप्लीकेबल टू होम, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में या मैथ्स में कैसा हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। बायोलॉजी में तो वो कॉन्सेप्ट ज्यादा आएगा नहीं, इसलिए एडवांस लेवल की चीजें बायो में एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, अभी दिख गए मुझे गगन आप। बायो में तो एनसीआरटी आती है पूरी लगभग। हाँ मोस्टली तो बायो का आपका ज्यादा इसका कुछ टेंशन नहीं है, इट्स अबाउट योर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। बट अगेन जो बायो के लिए स्पेशल पीपल है जिनको फार्मेसी या आयुर्वेदिक या बीडीएस जो भी चीजें उनको सिलेक्ट करनी है आफ्टर द 12th, तो वो हमको कैटेगराइज करना पड़ेगा ना किसको बच्चों को क्या क्या पढ़ना है। ऐसा हो सकता है कि बायोलॉजी पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एमबीबीएस ही करे, हो सकता है कि उनको बीडीएस करना हो सकता है उनको फार्मेसी करना हो या बायोटेक्नोलॉजी करना हो या आयुर्वेदिक करना हो, एग्रीकल्चर करना हो, है ना। जरूरी नहीं कि बायो लिया मतलब डॉक्टरी बने, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, समझ रहे हो। यस मैम, तो हर एक की जरूरत अलग है, मैम हर एक सिलेक्टेड की स्टूडेंट को डिमांड आप अलग। तो पढ़ेंगे ना, लेकिन जो बच्चे मान लीजिए सिलेक्ट अभी हो गए तब भी तो वो इसी बैच में रहेंगे ना कितना फास्ट बोल यार आकृति, मैम। मतलब कि जो बच्चे सिलेक्ट हो भी गए अगर अल्फा बैच में, तब भी वो पुराने बैचेस में रहेंगे ना जिनमें आप पढ़ा रहे हो, या कन्या सर या नहीं कन्या मैम अब पढ़ा रहे हो। बैच फिर से सफल हो जाएंगे, बच्चा 12th में बैच सेम नहीं रहेंगे, अब तो न्यू मैम एडमिशन। आप लोगों मैम ने आप अगर कौन से बैच को पढ़ाओगे, अल्फा बैच को ओम पढ़ाओगे? उसी में ज्वाइन करना हमको। नहीं यस जी मैम, मैम उसी आप में उसमें ज्वाइन कर ज्वाइन लेना करना। जिसमें आप पढ़ाओगे। मैम वही नहीं पता मैम कुछ भी, ऐसे मैम ये मैं नहीं कह मैम रही, कुछ नहीं ऐसे नहीं हो रही पता। है, आपसे मैम पढ़ना हम है। चाहे आप अल्फा यस बैच में मैम, जो पढ़ाओ आप चाहे रहो बीटा वही में है चाहे ना, डेल्टा वही में। भी मैम मैम ये चीटिंग हो रही है हमारे साथ, घोर चीटिंग। रुको जरा, मैम आप मैं पढ़ाना मेन, यस मैम पढ़ा ही पढ़ना नहीं ही रही नहीं हूँ। आप। पहली बात मैं पढ़ा ही नहीं रही हूँ। मैम क्यों 12th? 12th के सेट ऑफ टीचर्स आर डिफरेंट। मैम आपने कहीं मैम थी 12th में ज्यादा आप थोड़ा पढ़ाओगे। पूछते हैं, बट मुझे भी ये हाल ही में पता चला है वैसे।
बात है ये। आपने कहा था कि 12th पढ़ाओगे आप। मुझे भी अभी पता चला है, मैं वही बोल रही हूँ ना, 12th में सेट ऑफ टीचर्स आर डिफरेंट, 11th में सेट ऑफ टीचर्स आर डिफरेंट, बट एनी हाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कीप इन टच विद मी। मैं कहाँ जा रही हूँ यार, मैं आप ही के साथ हूँ ना, तो यू कैन पर ऑफकोर्स प्लान कीप तो इन आप टच। मैम फिर फिर भी, मैम अभी तो आपने बोला हाँ यस कि मैम आप पढ़ाओगे। दूसरे बैच में चले जाओगे, फिर दोबारा से शफल होंगे। नहीं, दूसरे बैचेस मतलब, सी यू विल गो टू मम्मी ट्वेल्थ आपने ये नाउ। कहा था कि मैम जितने रिकॉर्डिंग अच्छे ऑफ नंबर करो, आएंगे मैम उसको आप रिकॉर्डिंग ऑफ पढ़ाओगे। कर दो, मैम अरे रिकॉर्डिंग ऑफ बच्चे कर दो बच्ची, पहले। पहली बात ये समझो कि 11th से आप 12th जा रहे हो, सही बात।